हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो भाई कैसे हो आप लोग? तो भाई फटाफट से इस वीडियो में बता देता हूँ कि क्या क्या करना है गाइस। सबसे पहले गाइस, इस वीडियो के तीन टॉपिक है, हाउ टू गेट रेड, हाउ टू बैटल इन रेड, हाउ टू कैच लेजेंडरी पोकेमोन। ठीक है गाइस, तो ये तीनों टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। और एक डिस्क्लेमर ये है, जिसको भी इन तीनों टॉपिक के बारे में पता है वो जा सकता है, भाई मत देखो, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भैया देखो बाद में तुम कमेंट करोगे जो बता रहे हो उनको बता, तो इससे बढ़िया है कि तुम पहले ही निकल लो, टाइम वेस्ट नहीं करो। सो गाइस, सबसे पहली बात है कि कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ने के लिए हमें चाहिए रेड, और रेड के लिए चाहिए गाइस एक जिम, और जिम के लिए चाहिए गाइस आपको पास। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? सो गाइस, हर मंडे को एक पास मिल रहा है आजकल, तो पास ले लो, ठीक है। उसके बाद रेड कैसे मिलेगी? जब आपके पास रिमोट रेड पास होगी तब आपको रेड्स मिल जाएंगी, और वो मैं आपको दिलाऊंगा। हर रोज शाम के टाइम हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं गाइस, तो बेल आइकन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए गाइस। और कोई किल ठोक रहा है, पता नहीं क्यों ठोक रहा है। सो गाइस, अब आगे बात करते हैं एक और बात गाइस रेड्स के लिए। अगर आप लाइव स्ट्रीम मिस कर जाते हो या फिर मैं आगे जाके अपनी बात से पलट जाता हूँ, तो उस केस पर क्या करना गाइस? डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, हमारे पास दो डिस्कॉर्ड हैं, दोनों डिस्कॉर्ड में 500, मतलब जो मेन डिस्कॉर्ड है वो 500 से ज़्यादा लोग हैं गाइस, तो वहाँ कोई ना कोई हेल्प कर देगा। और भी डिस्कॉर्ड है गाइस, मैं दो डिस्कॉर्ड हैंडल करता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अब बात करते हैं, आपको रेट्स मिल गई है, ठीक है, बाई चांस आपको रेट मिल गई है, आपको मैंने नहीं दिलाई, किसी और ने दिलाई, आपका डुओ करने का मन है, स्पेशली फॉर डुओ रेट्स, तो उसके लिए टिप है यहाँ पर, बहुत बढ़िया टिप है गाइस। टिप नंबर वन, आपका लेवल अच्छा होना चाहिए गाइस, यू मस्ट हैव गुड लेवल, आपका ट्रेनर लेवल अच्छा होना चाहिए, 35 से ऊपर होना चाहिए गाइस। टिप नंबर टू गाइस, फ्रेंडशिप लेवल। सो गाइस, अगर हम लोग गेम में चले तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं कुछ फ्रेंडशिप लेवल के बारे में गाइस, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस हो गया, बस हो गया, हो गया, हो गया। सो गाइस, ये है शुभम चौहान, मेरा बेटा है ये, और मतलब वो दोस्त वाला बेटा गाइस। तो यहाँ पर आप देखेंगे गाइस, तो यहाँ देखिए गाइस, पूरी दुनिया यहीं पर है, आपको मिल रहा अटैक बोनस प्लस मिल रहा रेड बोनस, चार पोकी बॉल्स, चार प्रीमियर बॉल मिल रही है गाइज, और क्या चाहिए। अटैक बोनस बहुत इंपॉर्टेंट है रेड जीतने के लिए गाइज। कल मैंने एक डुओ रेड लड़ी थी मोल्ट्रेस की, आई बटन चेक कर लेना, शानदार बैटल लड़ी है भैया, डुओ बैटल है गाइज वो, तो ये 52 जी के साथ लड़ी थी मैंने, इनका नाम राणा जो है गाइज। अटैक बोनस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, भाई मेरे पोकेमॉन की सीपी देखना बहुत कम है, और हम लोगों ने वो रेड जीत ली थी गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस, हम लोग जिस पोकेमॉन की रेड की बात कर रहे हैं उसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो सबसे पहले हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो पोकेमॉन है गिराटिना गाइस, तो अपने पास एक है, तो ये है गाइस वो गिराटिना, ठीक है। तो सबसे पहली बात जानने वाली ये है कि गोस्ट और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है गाइस। जब ये पोकेमॉन गोस्ट और ड्रैगन टाइप है तो उसकी वीकनेस क्या होंगी गाइस? सबसे पहली वीकनेस गाइस, ड्रैगन, फेरी, डार्क, घोस्ट और आइस, ये जो पांच मैंने वीकनेस बोली है यही मेन वीकनेस है इसकी, अगर ये आपके पास है तो आप इसको इजीली हरा दोगे। तो गाइस अब आती है बात टिप की गाइस, वीडियो देख रहे हो टिप तो मिलनी चाहिए ना भैया, इसे थोड़ा देख रहे हैं तुम कुछ भी। सो गाइस, अब आप चले गए अपने अल्ट्रा फ्रेंड के साथ, चलो मिनिमम लेते हैं, सपोज आपने अपने एक अल्ट्रा फ्रेंड को पकड़ा और आप दोनों डुओ करने चले गए रेड में गाइस, क्योंकि आपके घर के पास तो जिम है नहीं, आपके दोस्त के घर के पास जिम है, उसने आपको इनवाइट किया और आप दोनों डुओ लड़ रहे हो गाइस, ठीक है। तो डुओ में मेन चीज़ गाइस ये है कि आजकल चल रहा है मेगा एवोल्यूशन, और हम लोग एक मेगा एवोल्यूशन रख सकते हैं गाइस। तो इन केस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम गिराटिना द बेस्ट मेगा एवोल्यूशन इज मेगा हुंडुम। तो भैया मेगा हुंडुम मतलब मेरा प्रोनाउंसिएशन बढ़िया नहीं है, बट देखो गाइस ये है हुंडुम गाइस, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं मेगा इवॉल्व। कैसे करेंगे? 20 मेगा एनर्जी चाहिए उसके लिए, 20 बोल रहा हूँ, 200 मेगा एनर्जी चाहिए गाइस। तो मैंने आज तक सिर्फ एक रेड लड़ी है मेगा हुंडुम की, तो वहाँ मुझे 80 मिल गई थी गाइस, तो आपको तीन लड़नी पड़ेंगी, तीन लड़ दो भैया, तीन रेड अभी टाइम है, डेली डेली एक लड़ दिया करो, हो जाएगा। ये पोकेमॉन एक रख लेना अगर लड़ सकते हो तो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने जो कल डुओ रेड लड़ी थी वहाँ कोई मेगा पोकेमॉन नहीं था हमारे पास, ठीक है। ये एक टिप है गाइस, अगर आपके पास
मेगा एनर्जी है तो मेगा हुंडम लेके चले जाओ। दोनों प्लेयरों के पास एक एक मेगा हुंडम होगा तो मज़ा आ जाएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि आप एक मेगा हुंडम को दो बार यूज़ कर सकते हो रेड में। फैंट तो होना ही है उसको, फैंट होने के बाद दोबारा उसको यूज़ कर लेना, सारे पोकेमॉन फैंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं गाइस, अब आते हैं गाइस पोकेमॉन्स में। तो जो मैंने इसकी वीकनेस बताई है, ड्रैगन, डार्क, फेरी, आइस, घोस्ट, इन पोकेमॉन्स पर ध्यान देना है गाइस, मैक्सिमम ध्यान देना है गाइस ड्रैगन पे गाइस। अगर आपके पास ड्रैगन वाले पोकेमॉन्स हैं तो उन पे ध्यान देना गाइस। तो ड्रैगन वाले क्या अटैक होने चाहिए गाइस, सबसे मेन अटैक होना चाहिए ड्रैगन टेल। अगर आपके पास ड्रैगन टेल अटैक है गाइस, बहुत बढ़िया है गाइस। ड्रैगन टेल के साथ होना चाहिए आउटरेज या फिर ड्रैको मेटियोर। तो ये जो अटैक्स मैंने बोले, ये अटैक अनिवार्य हैं गाइस। तो गाइस अगर सपोज मैं ड्रैगनाइट को लेके जाता हूँ गाइस, तो ड्रैगनाइट के पास हम लोग ड्रैको मेटियोर नहीं ला सकते, क्योंकि उसके लिए हमें एलाइट चार्ज टीएम चाहिए और जिसका कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अटैक्स चेंज कर सकते हैं, अगर करने हो तो ड्रैगन टेल और आउटरेज लगा लो, काम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ड्रैगनाइट को उसके अटैक से इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस, क्योंकि वो मारने वाला शेडो बॉल ये सब मारने वाला, तो ये झेल जाएगा, डार्क अटैक झेल लेता है ये, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है। बाकी तो भैया देखो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या पोकेमोन आप ले आ सकते हो गाइस। ले आने को तो ब्लैक और वाइट क्यूरम भी लिखा हुआ है, बट वो हमारे पास है नहीं, ठीक है। उसके बाद डियालगा, डियालगा लोगों के पास नहीं होगा गाइस, डियालगा मेरे पास है फिलहाल, बट काफ़ी लोगों के पास नहीं होगा, ठीक है, तुम डियालगा को लिस्ट में नहीं ले रहे। जैक्रोम होगा लोगों के पास, जैक्रोम लेके जाओ गाइस, ड्रैगन ब्रेथ और आउटर्स ले जाओ गाइस। तो गाइस मैं आपको वो पोकेमोन बताने वाला हूँ जो पोकेमोन लोगों के पास हो सकते हैं। सेलेमेंस, सेलेमेंस लेके जा सकते हो गाइस आप लोग। तो ये रहा सेलेमेंस गाइस, परफेक्ट है मेरे पास, इसको मैं लेके जा सकता हूँ। सेलेमेंस की जो अटैक है गाइस, ये तबाही मचाने वाले अटैक है गाइस, ड्रैगन टेल और ड्रैको मेटियोर। इसकी जगह मैं आउटरेज भी रख सकता हूँ गाइस, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेके जा सकते हैं, अरे हटो यार तुम यार, गारचोम्प, गारचोम्प ले जा सकते हैं गाइस। ड्रैगन टेल और आउटरेज करना पड़ेगा बस, आउटरेज है ही, एक हमें फास्ट टीम लगाना है, आउटरेज ड्रैगन टेल आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस अभी कुछ महीने पहले की बात है, तो हम लोग के यहाँ पर एक इवेंट हुआ था जिसको बोलते हैं ड्रैगन इवेंट। तो ड्रैगन इवेंट में हमें कुछ पोकेमोन मिला था रेक्वाजा, पाँच रेक्वाजा हैं गाइस। अगर पाँच में से अगर मैं तीन लेके जाता हूँ ऊपर वाले जो मैक्स मैक्स सीपी गए गाइस, इनको अगर लेके जाता हूँ गाइस तो काम बन जाएगा। बस करना क्या है मुझे, सिंपल सा काम है, ड्रैगन टेल और आउटरेज लगाना है गाइस, ठीक है, ड्रैगन टेल और आउटरेज। आप देखेंगे ये सारे फ्लाइंग अटैक हैं, क्यों है गाइस, क्योंकि मैं इन पोकेमोन को लेके गया था रेड में, जो थी मैचम की, वो थ्री स्टार की रेड थी गाइस, तो उसके लिए मैं लेके गया था गाइस, ठीक है। तो ये पोकेमोन मैं लेके जाने वाला हूँ गाइस। आप कोई भी पोकेमोन यूज़ कर सकते हो जिसके पास डार्क और घोस्ट टाइप और ड्रैगन टाइप अटैक हो, आइस टाइप भी हो, फेरी टाइप भी हो, यूज़ कर सकते हो गाइस, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अगर आपके पास हुंडम नहीं चाहिए आपको, हुंडम को नहीं करना मेगा, तो आप मेगा वाई चारिज़ार्ड लेके जा सकते हो गाइस, क्योंकि एक्स तो बना नहीं पाओगे, एक्स के लिए तो कॉम्पिटेटर चाहिए, कॉम्पिटेटर अभी आया नहीं है। 17 तारीख के बाद आप मेगा एक्स लेके जा सकते हो, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। अभी तो आप मेगा वाई लेके जा सकते हो गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस शाइनी की, गाइस शाइनी आने वाला है, शाइनी पकड़ना भी है गाइस, शाइनी कैसे मिलेगा। तो गाइस ये है पूरा लक फैक्टर, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ गाइस, इट्स टोटली डिपेंड ऑन लक फैक्टर गाइस। शाइनी पोकेमोन लक से मिलता है और कोई रीज़न कोई नहीं है गाइस। बाकी कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, उनको बता देता हूँ गाइस। ट्रिक नंबर वन गाइस ये रहेगी कि आप स्पॉन्सर वाले जिम में जाओ गाइस। स्पॉन्सर्ड जिम क्या होते हैं गाइस, जिस जिम में मतलब कोई किसी ने स्पॉन्सर कर रखा होगा, तो वो जिम इंडिया में इतने नहीं मिलेंगे। बाकी आप स्पॉन्सर्ड जिम में अगर रेड लड़ते हो तो वहाँ पर शाइनी के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। उसके बाद जितनी ज़्यादा हो सके उतनी रेड लड़ो, डेली लड़ो गाइस, जितने दिन है उतने दिन लड़ो गाइस, शाइनी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस हम बात करें आईवीज की, जो सबसे मतलब मेन गाइस आईवीज है। अगर आप लोग पीजी शार्प ऐप यूज़ कर रहे हो गाइस, तो आपको चल जाएगा पता कि इसकी 100% आईवी है। बट अगर आप मेरे से प्लेयर हो, लेजिट वे में खेल रहे हो गाइस,
तो आपको ध्यान देना गाइज, दो टाइप की रेड होती है, एक होती है गाइज बूस्टेड और एक होती है नॉर्मल रेड। तो गाइज अगर नॉर्मल रेड आप जीतते हो गाइज, अगर आपके पोकेमोन जो आप इनकाउंटर कर रहे हो उसकी अगर आई वी 2105 2105 है तो उसकी 100 आई वी है गाइज। अगर बूस्टेड है तो 2631 होनी चाहिए गाइज, 2631 अगर उसकी है सी पी तो वो 100% आई वी का है गाइज, ठीक है। सो गाइज बूस्टेड रेड क्या होगी, बूस्टेड रेड वो रेड होगी जिसमें आपके पोकेमोन की सी पी जो होगी बूस्ट हो जाएगी गाइज। तो वो कैसे चलेगा पता, तो यहाँ पर दो कंडीशन है गाइज, ये है घोस्ट और ड्रैगन। तो ड्रैगन के लिए क्या होता है, आपके सामने मतलब फ्लाइंग मतलब विंडी वेदर होना चाहिए गाइज। तो जैसे वेदर पे मैंने क्लिक किया, ऊपर की साइड वेदर का ऑप्शन होता है, वेदर पे क्लिक किया गाइज तो ये क्लाउडी वेदर है गाइज। यहाँ पर जब पतंग बनी होगी ना तो ये विंडी वेदर हो जाएगा, विंडी या फॉग होना चाहिए गाइज। लिखा रहेगा यहाँ क्लाउडी लिखा हुआ है, वैसे यहाँ विंडी या फिर फॉग लिखा होगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा ज़्यादा सीपी का पोकेमोन जिसमें कि आपकी स्टार्टस बच जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज, अगर आपको गिराटिना के बारे में अच्छे से जानना है तो मैं अगर आई बटन पे वीडियो लगा लूँगा, आप चेक करना तो कर लेना गाइज, डुओ की वीडियो भी आई बटन पे लगा रखी है वो भी चेक कर लेना। कैच के बारे में बात करते हैं, अब रेड में घुस चुके हो, बैटल जीत चुके हो, अब कैच कैसे करेंगे उसको, ठीक है। कैच रेट इसका कम है गाइज 2% है, ठीक है, मैं शायद गलत हो सकता हूँ बट 2% ज़्यादा मैंने इसके बारे में पढ़ा है गाइज। उसके बाद कैच कैसे करेंगे, हाउ टू कैच, तो सबसे पहली बात है गाइज आपको करना क्या है, आपको आपके पास गोल्डन रास्पबेरी होनी चाहिए गाइज जो कि आपको रेट से मिल जाएंगी। आप अगर मेगा हुंडू बना रहे हो तो आपको रेट से गोल्डन रास्पबेरी मिल जाएंगी, वो इंपॉर्टेंट है गाइज। आप गोल्डन रास्पबेरी डालो, उसके बाद आपको थ्रो करना है, कोशिश करनी है गाइज मिनिमम ग्रेट लगे, बाकी थ्रो कोई भी मारो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही माइन्योर सा डिफरेंस है परसेंटेज में गाइज, ठीक है। फ़ोन की बैटरी गिरती जा रही है गाइज। तो गाइज इस चीज़ को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, उसके लिए आप एक काम करना, आई बटन चेक कर लेना, मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी वो जरूर चेक कर लेना, ठीक है गाइज। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही है, काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा कोई बात नहीं गाइज, सारे लिंक है नीचे इंस्टा ट्विटर डिस्कॉर्ड क्यूरा सारे लिंक हैं, कोई भी दिक्कत हो वहाँ पर जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो गाइज, ठीक है, आस्क मी एनीथिंग। सो गाइज थैंक यू वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर देना गाइज, कर देना यार इतना बोल। सो गाइज थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।